गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हमने आपको बुक पढ़ा दी। अब हम आपको आपका बुक वर्क और क्वेश्चन आंसर समझाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज आपका चैप्टर फर्स्ट हिंदी वन। देखो बच्चों, आपके फर्स्ट चैप्टर का ये बुक वर्क है। पहला है आपका सही विकल्प सिंदूरी सुबह लुटाता है। आपके ऑप्शन दे रखे हैं चंद्रमा, तारे और सूर्य। तो जो सही आंसर है इसका सिंदूरी सुबह। सिंदूरी सुबह यानी कि जब सूर्य निकलता है तब। तो सिंदूरी सुबह कौन लुटाता है? सूर्य। फिर एक कविता में स्वामी भक्त बताया गया है, तो दुर्गादास को, पन्नाधाई को या दोनों को? तो इसका जो सही आंसर है वो है दोनों को ही, सेकंड वाले का तीसरा। अगला है कविता में नारी की तुलना की गई है। तो बच्चों, कविता में नारी की तुलना दुर्गा से, राधा से या कौशल्या से? तो इसका सही आंसर है कविता में नारी की तुलना दुर्गा से की गई है, यानी कि तीसरे का पहला। फिर है आपका राजस्थान में खुशहाली का नया उजाला बांटते हैं भाखड़ा, नांगल बांध, चंबल नदी, दोनों ही। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोनों ही, राजस्थान में खुशहाली का नया उजाला बांटते हैं। अब आते हैं आपके प्रश्न उत्तरों पर। पहला प्रश्न है आपका, राजस्थान की धरती को पावन धरती क्यों कहा गया है? तो बच्चों, आपको मैंने समझाया था राजस्थान की धरती को पावन धरती क्यों गया है, क्योंकि राजस्थान यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर अनेकों महापुरुषों ने जन्म लिया है और अपनी धरती के लिए अपना त्याग, प्रेम, सौंदर्य का वीरता से सब कुछ समर्पण कर दिया है, इसलिए राजस्थान की धरती को पावन धरती कहा गया है। प्रश्न नंबर दो, राजस्थान में लोग कौन कौन से पशु पालते हैं? तो राजस्थान के जो लोग हैं वो ऊंट, भेड़, बकरी आदि पशु पालते हैं। आपका अगला प्रश्न है, राजस्थान की मिट्टी को शीश झुकाने की बात क्यों कही गई है? क्योंकि यहाँ अनेकों, इसका उत्तर है क्योंकि यहाँ अनेकों वीर पुरुषों ने अपनी मातृभूमि के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया। पुरुषों ने ही नहीं बल्कि महिलाओं ने भी अपनी मातृभूमि के लिए सब कुछ त्याग कर दिया, इसलिए राजस्थान की मिट्टी को शीश झुकाने की बात कही है। बच्चों, आपका प्रश्न नंबर चार है, राजस्थान में कौन कौन से त्यौहार तथा कैसे मनाए जाते हैं? इसका आंसर है, राजस्थान में तीज, गणगौर, रंगीली, गौरी फाग आदि त्यौहार मनाए जाते हैं। पहला है आपका तीज। तीज पर क्या होता है, देखो जो सुहागिन स्त्रियां हैं ना, वो अपनी शादीशुदा जिंदगी में भगवान का आशीर्वाद तथा पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं और सुख प्राप्त करती हैं करने के लिए या सुख प्राप्त करने के लिए इस त्यौहार को मनाती हैं। गणगौर में बच्चों, इस त्यौहार में महिलाएं कन्याएं
और महिलाएं व्रत करती हैं और फिर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करती हैं। तीज पर भी शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। फिर रंगीली, रंगीली बच्चों यहाँ पर होली है। होली इस त्यौहार पर हम रंग व गुलाल से खेलते हैं और एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद देते हैं। गौरी फाग फूलों से होली खेली जाती है और गौरी फाग में कुछ गीत जो महिलाओं के द्वारा गाए जाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में कौन कौन से अवतारी पुरुष और भक्त हुए हैं? तो इसका जो आंसर है वो है, राजस्थान में दादू और रैदास अवतारी पुरुष तथा दुर्गादास और पन्नाधाय जैसे भक्त हुए हैं। तो बच्चों ये थे आपके प्रश्नों के उत्तर जो मैंने समझा दिए हैं। अब है आपके रिक्त स्थान यानी कि कविता की कुछ पंक्तियाँ हैं उनको पूरा करना है। देखिए पहली पंक्ति है, सुबह सूर सिंदूर लुटाए संध्या का भी रूप सवारे। इस धरती पर हमने जन्मे हैं पूर्व जन्म के पुण्य हमारे। घोड़ावर के जोड़ों के घर पश्चिम के रेतीले टीले ऊंट भेड़ बकरी मस्ती से जहाँ पालते लोग छबीले। स्वामी भक्त हुए इसमें ही दुर्गादास तथा पन्ना से। पानीदार हुए इसमें ही पीतल भामासा मन्ना से। यहाँ भाकड़ा चंबल बांटे खुशहाली का नया उजाला। भारत की पावन धरती पर अपना राजस्थान निराला। बच्चों ये कविता के अंश जो छूट रहे थे वो हमने पूरे किए हैं। अगले पेज पर चलते हैं। अगला पेज में आपका है, निम्नलिखित शब्दों के वचन लिखिए। पहला वचन है आपका पुण्य। पुण्य का जो वचन है अगर हम इसको बदलेंगे तो बहुवचन में जाएगा पुण्य। दूसरा है वनों, यानी कि यहाँ पर एक वचन और बहुवचन दोनों में लिखे लेकिन हमें केवल वचन को बदलना है। तो दूसरा है आपका वनों, वनों का होगा वन। फसलें फसल। घ वाला है झरनों यानी कि झरना। एक तारे एक तारा। और लास्ट वाला है आपका पुरुष। पुरुष का होगा आपका पुरुषों। बच्चों उसमें महिला गलत लिखा है उसको आप पुरुषों कर लेना, पुरुष का होगा पुरुषों। उसके बाद चलते हैं हम निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द का मतलब होता है विपरीत। शौर्य वीरता का होती है, यहाँ पर इसका हम अपोजिट या विपरीत शब्द लिखेंगे वो होगा कायरता। सुबह शाम जन्म मृत्यु आज़ादी गुलामी नया पुराना पावन पवित्र। निम्नलिखित शब्दों के दो दो शब्द दो दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो बच्चों देखो, माटी मिट्टी या मृण, धरती धरा वसुधा, वन जंगल या अरण्य, और लास्ट है आपका दुर्ग। दुर्ग माने किला या गढ़। बच्चों अभी ये आपके कंप्लीट हो चुका है बुक वर्क भी और कॉपी का वर्क भी। यदि फिर भी किसी बच्चे को कोई समस्या आती है तो आप मुझे मेरे नंबर पर फ़ोन करके पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।